बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम लोग देख रहे थे, उसका एक हम आज प्रॉब्लम ले रहे हैं पार्ट फिफ्थ के अंतर्गत। रिको लिमिटेड का आपको जो है बैलेंस दे रखा है, रिको लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह के हैं, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेंट ईयर का प्रॉफिट आपका 46,000 का है और सरप्लस आपके पास 10,000 का है। ग्रेटुटी फंड, वर्कमैन डेप्रिसिएशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, नेट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपको जो है बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। मदे इन मदों के बाद में नीचे आपको दे रखा कि एक 10 रुपये वाले 500 रुपये का शेयर और जो है 500 रुपये वाले 300 अंशों का धारा कंपनी से भी अंशों का विक्रय करना चाहता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम निकालेंगे तो उसमें इसको हम ध्यान रखेंगे। विगत 3 वर्षों में लाभांश 12%, 11% और 12% से चुकाया गया है और सामान्य प्रत्याशी जो है प्रत्याशा 10% है। स्थायी संपत्तियाँ 80,000 की हैं। ख्याति को पुस्तक मूल्य पर पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभों के 4 गुने के आधार पर जो है कैलकुलेट करना है। लेनदार आपके 3,000 के अतिरिक्त अच्छे हैं और खर्चों के लिए दायित्व तो आगे उत्पन्न नहीं होंगे। पिछले 3 वर्षों के कर के में लाभ आपके 45,000, 48,000 और 46,000 है। लाभ आपको शेयर्स का जो है इंट्रेंसिक वैल्यू आपको निकालनी है और अतिरिक्त मूल्य राज का ध्यान नहीं रखना है। तो उसके लिए बच्चों फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं। पहले आपके प्रॉफिट्स 3 सालों में 45, 46 और 48 हैं और उसमें से जो 3,000 और 5,000 का एडजस्टमेंट करने को कहा गया है शेयर्स का, उसको माइनस करिए तो ये आता है आपका 1,41,000 रुपये। और एवरेज जो प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 3 साल के, तो 1,41,000 अपॉन 3 करेंगे तो आएगा 47,000 रुपये। चलिए अब आपको निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में जो एसेट्स ली गई हैं उनको लेकर के लेस लाइबिलिटीज को माइनस करते तो आपका जो है 279,000 जो है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। उसमें से आप 0.5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करेंगे, 40 में से 3 और 5 माइनस करके जो प्रॉफिट है उसका 24,000 रुपये आपने इसमें माइनस किया तो ये आता है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखिए ये इस तरह से जो है एवरेज 1,179,000 जो आता है, ये आपका जो है आता है आपका 279 कैपिटल एम्प्लॉयड आता है और इसमें से आप हाफ करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करें तो आपके पर्सन 2,55,000 की जाती है वो आती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपके जो थे 47,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपके 10% से होते हैं तो 25,000 को माइनस करिए 500 को तो आपके पास होता है 21,500 कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको जो है गुडविल निकालनी है तो गुडविल किस आधार पर निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 है ना, 4 के आधार पर तो आपकी गुडविल आती है 86,000। और अगर आप सिंपल गुडविल निकालना चाहते हो बुक वैल्यू गुडविल प्लस रिवाइज गुडविल दोनों को लेकर के उनका एवरेज ले सकते हैं तो 60,000 प्लस 86,000 बटा 2 करके आप उसका जो है 73,000 जो है उसकी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखा है, ऐड गुडविल कर लीजिए तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी थी 279 आई थी आपकी और साथ में जाए गुडविल है तो उसको ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 3,52,000। तो ये उसकी कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स का लगेगी। नेट एसेट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 2 तरह के शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले 5 रुपये वाले हैं, 3 लाख और 1 लाख के रेशो में है, 2 लाख और 1 लाख के रेशो में 2:1 का रेशो बैठेगा। और नेट एसेट्स फॉर 10 इक्विटी शेयर्स अगर आप निकालते हैं नेट एसेट्स तो वो आएगा 2/3 × 3,52,000 बराबर 2,34,667 और 2,34,667 में 10 का भाग दीजिए तो आपके नंबर ऑफ शेयर का पर वैल्यू आ जाएगी 11.73। और नेट एसेट्स को भी इसी तरह से निकालते हैं तो 3,52,000/3 करेंगे तो आ जाएगा आपके 1,17,333 और उसमें फिर 5 का भाग देंगे, वहाँ 10 इक्विटी शेयर था या 5 है तो 5 का भाग दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की 5.87। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमने क्या किया है, हमने ये देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो तो कैसे प्रॉफिट्स निकाले जाएँ, प्रॉफिट मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या है और इसी तरह से जो है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें अच्छे से समझा है। सुपर प्रॉफिट्स क्या है, नेट एसेट्स क्या है, ये सब हमें जो है इसको 5.87 जो आपका नेट एसेट्स फॉर 10 इक्विटी शेयर्स होगा 5 इक्विटी शेयर्स और वैल्यू ऑफ 10 इक्विटी शेयर होगी आपकी 11.73। धन्यवाद।